हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज वापस मैं आज 28 तारीख है और निफ्टी में अपना ओपिनियन लेके आया हूँ। मैं निफ्टी की क्लोजिंग देखेंगे तो आज पॉजिटिव पॉइंट पे हुई है, 10,859, 10,850 से प्लस ही है और पॉजिटिव पॉइंट पे ये कंटिन्यू मंडे को भी करेगा और आपको 10,925, 950 के ऊपर आपको हो सकता है मंडे को दिखाएगा। जैसा कि मैंने आपको कल अपने वीडियो में बताया था कि अगर कोई 199 की कॉल को लेंगे पॉजिटिव मार्केट है और 10,800 की कॉल को लेंगे तो 199 रुपये में मिल रहा है, तो अगर मैं आज उसको एक बार देख लूँ कि क्या पोजीशन रही उसकी, तो मैं 10,800 की कॉल को दिखाऊँ, 249 पे क्लोजिंग हुआ है और आपको ये मोस्ट वैल्यू ओपन 220 पे हुआ था और लो जो बनाया था 219 का बनाया था। तो अगर आप वहाँ पे भी अगर किसी ने बाई की होगी, 209, 220, 219, जो भी जहाँ पे भी बाई किए होंगे, तो भी आप देखेंगे 275 का आपको हाई बनाया था, तो आपको आराम से 50 से 60 रुपये का गेन देखने को मिला होगा। और क्लोजिंग देखेंगे तो 250 पे हुआ है, 249 रुपये पे 45 पॉइंट, अब 22% के गेन के साथ। तो किसी ने भी आज अपने ओपन से भी 22% का गेन कमाया होगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अगर किसी ने पोजीशन बनाई होगी तो अच्छी बात है, नहीं बनाई होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आप क्या करेंगे, आगे क्या करना है आपको, तो आगे जो आपको पोजीशन बनाना है वो आपको 10,900 पे बनाना है। एडवांस में बता देता हूँ ताकि बहुत सारे व्यूअर होते हैं जो हरी होते हैं और उनको जल्दी से जल्दी जान के जाना होता है, तो उनके लिए ये रहता है, डिटेल डिस्कशन शायद उनको पसंद ना आए। तो अब आपको जो पोजीशन बनानी है 10,900 पे बनानी है, क्योंकि ऐसा मानना है कि मेरा बहुत ज़्यादा फंड फंसा करके कोई फायदा नहीं है। तो आपको हर लेवल पर अपनी प्रॉफिट बुक करते हुए नीचे की ओर, अगर अप ट्रेंड है ऊपर की ओर आपको बढ़ते जाना चाहिए। तो अब 10,900 पोजीशन क्या बन रहा है, तो आप देखेंगे 18%, 19% ओपन इंटरेस्ट के साथ बाई कॉल पे 25,75,78,000 के लोग है, ओपन है, बाई करने को तैयार हैं और सेल के लिए सिर्फ 2,57,000, बाई के लिए 1,61,000 सेल करने के लिए तैयार है। मैंने 10,800 भी बताया था कल, 10,900 भी बताया था। तो आपने जो पोजीशन बनाई होगी आपकी मर्जी हो, ओपन 169 पे हुआ था और ये भी देखेंगे तो ये 41% का, 27% का रिटर्न दिया है और 165 का ये भी लो बनाया और हाई बनाया 209 का और 190 पे इसने क्लोजिंग दी है। और आपको वापस इसी को बाई करना है मंडे के लिए भी, आपको पेपर ट्रेडिंग करना है, 190 का कॉल लेना है, 31 जनवरी का लेना है, निफ्टी का 50 का कॉल लेना है जो कि 190 के ऑप्शन में आपको मिल रहा है। प्रॉब्लम यह है कि अब देखो 10-12 हज़ार, 15 हज़ार इसमें रुपये लगता तो है, 75 का लॉट है, अगर 200 मानो तो 15 हज़ार के आसपास लगता तो है, बट क्या बहुत नीचे ऊपर जाने से वैल्यू गेन नहीं मिलता है। आप देखेंगे 27% का रिटर्न, 22% का रिटर्न अगर एक दिन में मिल रहा है, तो आपको वापस अपने प्रिंसिपल को हर समय सेव करके निकलते रहना चाहिए, ज्यादा दिन के लिए फंसाना नहीं चाहिए। तो कोई बात नहीं, बाकी आपके, क्योंकि मार्केट बहुत ही वोलेटाइल है और अभी अप दिखा रहा है, डाउन दिखाएगा और 31 को भी आज देखेंगे तो आज बाइंग हुई है, तो हो सकता है ये देखेंगे आप तो डीआई ने आज अच्छा खासा, जैसा कि मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, बाइंग रहेगा वैसा ही देखने को मिला है। 1200 करोड़ का डीआई ने बाइंग किया है, एफआई ने 119 करोड़ का सेल किया है, तो डीआई ने अच्छा खासा 1200 करोड़ का बाइंग रखा है। अगर मैं ओवरऑल निफ्टी की बात बता दूं आपको कि ओवरऑल क्या रहा, तो सिंपल लोग पहले समरी बताते हैं, मैं आपको डिटेल बता दिया कि किसी को पोजीशन बनानी हो तो 10,900 पे जाके पोजीशन बना सकते हैं जो कि 190 रुपया में मिल रहा है। आज 27% के गेन के साथ ये क्लोज हुआ है 10,900 का कॉल साइड में और आगे ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि अगेन पुट पे शॉर्ट चल रहा है और कॉल की ओर, कॉल भी राइटिंग हो रही है और अपवर्ड की ओर रह रहा है। तो मतलब अभी भी मंडे को भी जो मार्केट शो होगा वो अप ट्रेंड में शो होगा, अप की ओर शो होगा और 11,000 तक जाने का दम रखता है। 11,000 पे आप देखेंगे तो थोड़ा रेजिस्टेंस आ सकता है इसको, बट 11,000 दम आपको दिखाएगा, जाने के पूरा कैपेसिटी रखता है ये। तो 11,000 पे यहाँ पुट की ओर देखेंगे तो थोड़ी सी अनवाइंडिंग हो रही है, हुआ है पुट की ओर से अब बाहर निकल रहा है, तो यहाँ पे थोड़ी सी एक आपको हैसल है। अगर ये क्रॉस कर जाएंगे किसी भी तरीके से तो फिर ठीक है, 11,150, पहले तो 11,100, फिर 11,200, 11,300 तक हम देख सकते हैं। मैं किसी भी हालत में 11,300 से ऊपर की कोई प्रेडिक्शन मेरे को नहीं समझ में आती है, अभी तो एकदम नहीं समझ में आती है, तो मैं 11,300 से ऊपर तो बता ही नहीं रहा हूँ। 11,000 तक पहले ये क्रॉस कर ले, 11,000 पे बहुत बड़ा इसको रेसिस्टेंस है, 24,56,000 का वो ओपन इंटरेस्ट एडिशन है यहाँ पर।
तो चलिए कोई बात नहीं, तो 10900 पे यही पोजीशन बन रही है। अगर आज की बात करें तो निफ्टी 10859 80 पॉइंट अप 0.74% के साथ अप रहा है। एडवांसेस 38 है, डिक्लाइन 12 है। इसमें जो गेनर हैं वो है टाइटन, सन फार्मा, IOC, जी इंटरटेनमेंट, बजाज फाइनेंस। जी इंटरटेनमेंट कल का भी गेनर था और आज का भी गेनर रहा। टाइटन आज अच्छा खासा अपवर्ड साइड दिखाया, हो सकता है ये आपको और भी अपवर्ड थोड़ा सा दिखाए। सन फार्मा मैं आपको आप थोड़ा सा देख कॉशियसली इस पर बाइंग करें, बाकी आपको ठीक है। इन्फ्राटेल, BPCL, TCS और बजाज ऑटो और एशियन पेंट ये निगेटिव में हैं, आज लूजर्स में हैं। और अगर इंडेक्स की बात करो तो मैं आप देखेंगे इंडेक्स देखेंगे तो सारे इंडेक्स आपके जो भी बंद हुए हैं सारे इंडेक्स आपको देखेंगे तो यहाँ पे ग्रीन में बंद हुए हैं। और सबसे ज़्यादा जो गेनर रहा है वो स्मॉल कैप 100 रहा है और निफ्टी नेक्स्ट 50 रहा है। और उसके बाद निफ्टी मिड कैप भी 1.19 के साथ अच्छा खासा गेनर रहा, टॉप गेनर यही रहा निफ्टी मिड कैप रहा। और सेक्टरल इंडिसेस में देखें तो सारे ग्रीन में दिख रहे हैं। निफ्टी फार्मा हाईएस्ट रहा 1.71% के साथ और निफ्टी NBCC सबसे उसके बाद सेकंड हाईएस्ट 1.11% के साथ ये भी रहा। और फार्मा 1.73, निफ्टी मीडिया 1.93, ये सब अच्छे खासे गेनर रहे। अगर बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक में देखेंगे तो आज आपको 227-125 में इसमें भी बोला था पॉजिटिव व्यू है, पॉजिटिव भी रहा। और आगे के लिए भी अभी 27-125 पे है, अच्छे पोजीशन पे खड़ा है। तो 27-400 तक तो इसको जाने में मुझे नहीं लगता कि कोई हडल है। निफ्टी में भी देखेंगे तो सारे बैंक पॉजिटिव साइड में बाइंग आ रही है, केवल कोटक बैंक और फेडरल बैंक में थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है। और बाकी तो ओपन हुआ था निफ्टी, अब देखेंगे ओपन 27048 पे हुआ, हाई 47213 का बनाया और लो बनाया 27039 का। और जो क्लोजिंग हुआ है वो हायर साइड के पैटर्न पर 27125 पे बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है। उसमें सबसे बड़ा गेन रहा है यस बैंक 1.99% के साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा 1.80% के साथ, इंडसलैंड 1.44% के पास साथ, ये सब बिग गेनर रहे। और लूजर में कोटक बैंक 0.05 के साथ परसेंट के साथ और फेडरल बैंक 1.06% के साथ क्लोजिंग हुआ दिखाई देता है। अगर निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आप देखेंगे एडवांसेस 38 है और डिक्लाइन 12 है। निफ्टी 50 जहाँ पे आज ओपन हुआ 10820 पे, हाई बनाया 893 का और लो बनाया 817 का, वापस क्लोजिंग जो दिया है अपर लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 859, मैंने अपवर्ड साइड में ही अपवर किया। एक बार जब ये गया अब तो नीचे नहीं आ रहा था, ये अब साइड में ही पड़ा था। मतलब अभी भी निफ्टी में बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रांगनेस है। निफ्टी बाइंग पोजीशन बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, बट दोनों में बाइंग है। एडवांसेस 38 है, डिक्लाइन 12 है। इसमें जो निफ्टी में अच्छा परफॉर्म किया जैसे टाइटन मैंने आपको बताया आज बहुत ही अच्छा परफॉर्म 4.11% के साथ, सन फार्मा 3.37%, IOC 3.21 और जी इंटरटेनमेंट 2.17 के साथ परफॉर्म कर रहा था। वहीं देखेंगे लूजर्स में आप देखेंगे तो इंफ्राटेल 1.56 के साथ निगेटिव है, BPCL, TCS, बजाज ऑटो, एशियन पेंट, कोल इंडिया, गेल, ये सब थोड़ा सा निगेटिव में आपको जो आपके 12 डिक्लाइन इंडिसेस है वो ये 12 है। 12 जो आपको स्क्रिप्ट जो आपको निगेटिव में दिखाए वो ये स्क्रिप्ट थे 12, कोटक बैंक, इन्फोसिस, पावरग्रिड, हीरो मोटर, भारतीय एयरटेल, गेल, तो ये सारे निफ्टी के लूजर थे। और निफ्टी के जो मेन गेनर थे टाइटन, सन फार्मा, IOC, जील, बजाज फाइनेंस, वेदांता, यस बैंक, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स भी एक अच्छी अपवर्ड साइड दिखा रहा है, बट मैं इसके प्रॉफिटेबिलिटी को लेकर के जब तक जगवार का बिजनेस नहीं अच्छा होता है, जब तक कोई मैसेज अच्छा नहीं आता है, मैं निगेटिव ही हूँ टाटा मोटर्स में। और मुझे लगता है कि ये आपको 145 दिखाने का पूरा क्षमता रखता है। बजाज फिनसर्व, JSW स्टील, SCL टेक, HDFC बैंक, इंडसलैंड बैंक, ग्रासिम, ग्रासिम में अच्छी खासी बिकवाली हो चुकी है और अभी थोड़ा अपसाइड ग्रासिम दिखा रहा है, वो भी अच्छा है। ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डी, एक्सिस बैंक, हिंदुस्तान, टाटा स्टील मेरा फेवरेट शेयर है। टाटा स्टील में आपको अभी भी किसी को भी अगर पुट की ओर पोजीशन बनानी हो, टाटा स्टील में किसी को भी पोजीशन बनानी हो तो 520 का कॉल लेकर टाटा स्टील में अभी भी पोजीशन बना सकते हैं। तो टाटा स्टील में मैं अगर बताऊँ आपको तो टाटा स्टील का एक बार मैं आपको प्राइस भी बता दूँ, तो एक मिनट अगर मैं आपको टाटा स्टील का टाटा स्टील
तो कोई भी चाहें तो टाटा स्टील में ऑप्शन चेन में आप चाहें तो आप यहाँ पे देखेंगे 500 एट द मनी जो है 512 है। और इसमें भी क्या हो रहा है, कॉल साइड में बाइंग हो रही है और सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट जो है 5,81,000 का 540 पे है। कोई भी चाहें तो 520 पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं, जो कि 16 रुपया 70 पैसे से लास्ट ट्रेडिंग प्राइस में आपको मिल रहा है। और इसमें देखेंगे तो 46% का ओपन इंटरेस्ट है। 29,93,000 लोग बाइंग के लिए खड़े हैं, 2,31,000 सेल करने के लिए तैयार हैं। आज 12% का गेन दिखाया है, हाईस 18 रुपया का बनाया था, लो 15 रुपया का है। तो अच्छी खासी वॉल्यूम इंटरेस्ट के साथ इसमें आपको ये 16 रुपये 70 पैसा है, तो 16 साढ़े 16 रुपये में कल भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये बाइंग हो जाएगी। आप देखेंगे लो 15 रुपये 90 पैसा का है। तो आप इसमें कोई भी चाहें तो टाटा स्टील के कॉल को, 520 के कॉल को पोजीशन जनवरी के लिए बना सकते हैं। आपको अच्छा खासा फायदा हो सकता है यहाँ से देखने को मिले। एटलीस्ट जो मेरा कमिटमेंट रहता है 30-50% वो तो आपको देखने को मिल ही जाएगा। आप पेपर ट्रेडिंग करें 30-50% आपको गेन यहाँ पे आपको देखने को मिल ही जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलेगी। मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट 30-40% के लिए तो नहीं आएगा, और उससे ऊपर के और भी एक दो कॉल हैं जैसा मैं आपको बताना चाहता था। तो वो अभी और एक दो कॉल बता देता हूँ आपको, एक मिनट जस्ट में रुकिए। और टाटा स्टील था, मुझे आइसर भी अच्छा लगता है, तो आइसर मोटर में भी चाहे तो कोई पोजीशन बना सकते हैं आइसर मोटर। तो ये निफ्टी के साथ साथ मैंने सोचा आपको दोनों चीज़ एक साथ बता दूँ, तो कोई किसी को पोजीशन बनाना भी चाहते हैं तो 31 जनवरी को आप देखेंगे तो यहाँ पे जो एडिशन हो रहा है 25,000 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट ऐड हो रहा है। यहाँ पे शॉर्टिंग भी देखने को थोड़ा सा मिल रहा है 25,000 पे, तो ऐट द मनी जो है इसका 23,000 का है, जो कि 955 रुपये पे मिल रहा है। तो आप चाहें कोई भी तो 23,000 को, 25 का लॉट होता है ये, 25 के सिंपल सी लॉट होता है, तो आप चाहे 23,000 या 23,500 जो कि 727 है, इससे ऊपर का पोजीशन नहीं बनाएंगे आप, इसमें अदरवाइज प्रॉब्लम आती है। तो आपको यहाँ पे 23,000 का जो देखेंगे आज ही देखेंगे तो लो 950 का बनाया था, 1076 का हाई बनाया था और 955 रुपये की क्लोजिंग दिया है। तो आपको सिर्फ एक लॉट बाय करना है आइसर मोटर का 23,000 का, दो लॉट बाय करने की जरूरत नहीं है, एक लॉट में प्रॉफिट होता है, तो फिर ऊपर की ओर आप बढ़ के 24,000 का आगे लीजिएगा। ऐसे बहुत सारे स्क्रिप्ट है जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो टाटा मोटर, आइसर मोटर, मारुति में भी चाहें तो कोई अपनी पोजिशन बना सकते हैं, DHFL में बना सकते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी स्क्रिप्ट हैं, आप जिसमें चाहें तो अपनी पोजीशन बना सकते हैं। बट ये दो कॉल है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे तो ऑलरेडी आपको हर समय डेली दे ही रहा हूँ, बैंक निफ्टी पे भी आप चाहें तो कोई भी अभी 26,500 26,27,000 का भी कॉल ले सकते हैं। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो आप बैंक निफ्टी पे भी 27,000 का कॉल अगर चाहें अभी के लिए तो बना के रख सकते हैं। आप बैंक निफ्टी पे भी देखेंगे तो जो चल रहा है आपको 31 जनवरी, 10 जनवरी, 10 जनवरी, 24 जनवरी, 31 जनवरी 2019, तो आपको यहाँ पे 31 जनवरी 2019 का बैंक निफ्टी का बाई करना है। आपको एट द मनी कॉल बाई करना 27,125 चल रहा है, तो आपको 27,100 का कॉल बाई करना है। और ये एक्सपायरी है आपका, ये एक्सपायरी कब का है, 31 जनवरी 2019। तो आपको 27,000 का कॉल बाई करना है, जो कि आपको मिल रहा है 610 रुपया में, ये 20 का लॉट होता है, तो आपको 20 × 610 आपको 12,000 रुपया का सिर्फ इन्वेस्टमेंट है। और आप इसमें अच्छे खासे पोजीशन आप बना सकते हैं और आपको हो सकता है कि 2-4 दिन में ही आपको यहाँ पे 27,400 जब जाएगा तो आपको फायदा देखने को मिलेगा। आज की बात करें तो आज का पोजीशन देखेंगे तो 32% ओपन इंटरेस्ट के साथ ये खड़ा है। आज का हाई ये जो लगाया था 653 का लगाया था, लो 565 का था। तो आप चाहें ये आज का रिटर्न 23% 24% का रिटर्न है इसका, तो बैंक निफ्टी में 31 जनवरी का 27,000 का कॉल पे भी आप चाहें तो पोजीशन बना सकते हैं। आपको बैंक निफ्टी पे आ गया कॉल 27,000 का कॉल, निफ्टी पे 10,900 का कॉल, आइसर मोटर पे आपको 23,000 का, 23,500 का, टाटा स्टील पे 510 520, इस पे आपको स्ट्राइक प्राइस पे पोजीशन बनानी है। भैया बहुत सारे कॉल हो गए, बहुत सारे निफ्टी पे पोजीशन हो गए, ये सारे पेपर ट्रेडिंग और एजुकेशनल पर्पज से है। पेपर ट्रेडिंग करें, एजुकेशनल पर्पज से इसको लिख के रखें, आपको फायदा होगा, आपको फायदा देखने को मिलेगा। और खुद आप एनालिसिस करेंगे तो आप लॉस नहीं करेंगे। जो भी पोजीशन हो आपको 15 जनवरी से 17 जनवरी लेटेस्ट आपको बुक कर लेना है। 17 जनवरी के बाद कोई भी पोजीशन को इसमें खड़े रहने की जरूरत नहीं है।
उसके बाद आप फरवरी का पोजीशन भले बना लें, जनवरी के पोजीशन में एग्जिट कर जाएं, एटलीस्ट आपकी वैल्यू और प्रिंसिपल दोनों आपको फायदे में दिखेगी और निकल जाएगी। तो मेरे अंदाज से ये सही टाइम है अभी पोजीशन बनाने का, तो आप चाहें तो इसमें पोजीशन बना सकते हैं और निफ्टी पे खड़ा रह सकते हैं। तो वापस मैं निफ्टी की ओर आऊँगा। निफ्टी की क्लोजिंग है आज है 28/12/2018। अब एक लास्ट सेशन बचा है इसका जो कि मंडे को आएगा 31 तारीख को। 31 तारीख को निफ्टी 10900 के लिए आप बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। बैंक निफ्टी 31 जनवरी का एक्सपायरी 27000 का कॉल बना के आप पोजीशन में पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये सारे एजुकेशनल पर्पज से हैं और कोई भी पोजीशन मार्केट में बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही बनाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।